नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। 5 दिनों से लापता अंकित भंडारी की नहर में धकेल कर हत्या की गई। यह खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर रिजॉर्ट के संचालक, पूर्व राज्य मंत्री के बेटे, रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य व उसके 2 मैनेजरों को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व राज्य मंत्री का बेटा और मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर भीड़ घुसे पत्थर और चप्पल बरसा रही थी, लेकिन वह घबराने के बजाय उल्टा लोगों पर अंदर से घुसों से वार कर रहा था। इससे भीड़ का गुस्सा और बढ़ गया। वह अंदर से ही गाली गलौज भी कर रहा था। लोगों से पिटने के बाद भी उसके चेहरे पर डर और अपने जुर्म का पछतावा नजर नहीं आ रहा था। शनिवार सुबह अंकिता का शव मिलने के बाद प्रदेश भर में जगह जगह लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा है। सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लोग आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच एम्स ऋषिकेश के बाहर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। एम्स ऋषिकेश में अंकिता का शव पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। पुलकित आर्य के पिता भाजपा के नेता विनोद आर्य और भाई अंकित आर्य को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुकी है। युवती का शव शनिवार सुबह बरामद हो गया। इसी बीच हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने भाजपा विधायक रेणु बिष्ट की कार पर हमला कर दिया। हत्या के आरोपियों को फांसी देने की मांग के बीच हजारों लोगों ने रविवार शाम नम आंखों से अंकिता भंडारी को पौड़ी जिले के श्रीनगर में स्थित ANIT घाट पर अंतिम विदाई दी गई। पौड़ी जिले के यमकेश्वर स्थित गंगा भोगपुर में वन तारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता का शव शनिवार को ऋषिकेश के समीप चीला नहर से बरामद किया गया था। ऋषिकेश में उनकी कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी।